अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कैस्केडिंग रोलबैक। अ सिंगल ट्रांजैक्शन फेलियर लीड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रोलबैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग रोलबैक। तो एक ट्रांजैक्शन के फेलियर की वजह से अगर मल्टीपल या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को हमें रोलबैक करना पड़े तो उसे बोलते हैं कैस्केडिंग रोलबैक। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी वन ने ए डेटा आइटम पर कोई अपडेशन किया और उसको अपडेट करके डेटाबेस में राइट कर लिया। जैसे ए की वैल्यू 100 थी, T1 ने उसकी वैल्यू को 50 कर लिया। तो इस 50 वैल्यू को अब किसने रीड की, वैल्यू को T2 ने रीड किया और उसको अपडेट करके सपोज 30 कर दिया। और जो इसने वैल्यू अपडेट की है उसको किसने रीड कर लिया, T3 ने रीड कर लिया। फिर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे 30 से 20 कर लिया। तो क्या हुआ कि जो T1 ने जिस डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसको T2 ने रीड किया, और T2 ने इस ए डेटा आइटम पे जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसको रीड किसने कर लिया, T3 ट्रांजैक्शन ने। तो अगर कोई फेलियर आ गया T1 में आगे जाके, तो उस केस में क्या होगा, T1 को हमें रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि T1 की वैल्यू T2 ने रीड की थी तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, और T2 की वैल्यू T3 ने रीड की थी तो उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन फेलियर T1 में ट्रांजैक्शन फेलियर की वजह से हमें T2 और T3 को भी रोल बैक करना पड़ा। तो इसे बोलते हैं कैस्केडिंग रोलबैक। इस कैस्केडलेस शेड्यूल, तो अगर आप चाहते हो कि हमें कैस्केडिंग रोलबैक नहीं करना पड़े, एक की वजह से हमें हज़ारों ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना पड़ा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस चीज़ को कम करने के लिए कैस्केडलेस शेड्यूल बनाए जाते हैं। तो कैस्केडिंग रोलबैक रिक्वायर्स अनडूइंग ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क, दस इज अनडिजायरेबल। तो कैस्केडिंग रोलबैक की वजह से हमें बहुत सारा काम को अनडू करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए ये अनडिजायरेबल है। द शेड्यूल्स दैट अवॉइड कैस्केडिंग रोलबैक्स आर नोन एज कैस्केडलेस शेड्यूल। तो ऐसे शेड्यूल जो कैस्केडिंग रोलबैक्स को अवॉइड करते हैं उन्हें बोला जाता है कैस्केडलेस शेड्यूल। अगर आप कैस्केडलेस शेड्यूल बनाना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन कैस्केडलेस शेड्यूल्स फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन TI एंड TJ, इफ TJ रीड्स ए डेटा आइटम प्रीवियसली रिटर्न बाय TI, देन कमिट ऑपरेशन ऑफ TI अपीयर्स बिफोर रीड ऑपरेशन ऑफ TJ। तो अगर कैस्केडलेस शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं कि जो भी पेयर ऑफ TI एंड TJ है, जिसमें जो है TI ने जो डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको अगर वो रीड कर रहा है, TJ अगर उस डेटा आइटम को रीड कर रहा है जिसे TI ने प्रीवियसली राइट किया था, तो उस केस में TJ के रीड ऑपरेशन के पहले TI को क्या करना पड़ेगा, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो T1 है और T2 ट्रांजेक्शन है। T1 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया Q डेटा आइटम पे जिसको T2 ने रीड कर लिया। तो कैस्केडलेस शेड्यूल में क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू कोई ट्रांजेक्शन T2 रीड कर रहा है तो इस रीड ऑपरेशन से पहले T1 को कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। इस वाले एग्जाम्पल में कैस्केडिंग रोल बैक्स हो रहे थे। T1 के अपडेटेड डेटा आइटम को कौन रीड कर रहा था, T2। तो यहाँ पर हमें कमिट ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना होगा, फिर T2 ऑपरेशन रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली T2 की वैल्यू कौन रीड कर रहा था, T3। तो T3 को पहले कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद T3 इस वैल्यू को रीड कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि कैस्केडिंग रोल बैक्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो जाता है तो उसकी वैल्यू को हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं।